अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ 20 मिनट केक, वो भी फ्राई पैन में। घर पे मौजूद थोड़ी सी चीज़ों से मज़ेदार सा केक आप 20 मिनट्स में बना लेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसको बनाने के लिए मैंने एक अंडा लिया है, एक तिहाई कप पिसी चीनी, 1/3 कप पिसी चीनी, एक चुटकी नमक, आधा चाय का चम्मच वनीला एसेंस, अगर है तो डाल लें, नहीं है तो मत डालें, इसके बगैर भी अच्छा बन जाएगा। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको। और अब मैं इस पे दूध ले रही हूँ 1/2 कप और 2 खाने के चम्मच दूध। ml के हिसाब से ये 150 ml है। एक चौथाई कप ऑयल, कुकिंग ऑयल। अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी इसको। मैदा मैंने लिया है 3/4 कप, 1/4 कप मैदा है और ग्राम्स के हिसाब से 150 ग्राम मैदा है। थोड़ा थोड़ा डालती जाऊंगी और इसको मिक्स करती जाऊंगी। सारा मैदा डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें 1/2 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर डालूंगी, तो ये 1 चाय का चम्मच और साथ में है 1/2 चाय का चम्मच, तो 1/2 चाय का चम्मच टोटल बेकिंग पाउडर मैंने इसमें डाला है। अब इसको फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। 5 मिनट में आपका केक का बैटर बन के तैयार हो जाएगा। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान केक का बैटर जो है वो बन के तैयार हो गया है। अब जो मैंने केले लिए थे, 2 केले लिए हैं, इसको मैं बारीक चॉप कर लूँगी। केलों की क्वांटिटी आपके फ्राई पैन के साइज़ पर डिपेंड करती है। बड़ा फ्राई पैन है तो 3 केले लग सकते हैं, छोटा है तो 2 केले लग सकते हैं। और अब मैं दानेदार चीनी फ्राई पैन में नीचे डाल रही हूँ, और चीनी की मिकदार भी आपके फ्राई पैन के साइज़ पर डिपेंड करती है। फ्राई पैन बड़ा है तो चीनी ज़्यादा डलेगी, छोटा है तो कम डलेगी। और बस चीनी इस तरह से डालनी है कि नीचे से पूरा फ्राई पैन जो है वो इस तरह से जैसे आपके सामने मैंने लगाया है कवर हो जाए। अब इसके ऊपर कटे हुए केले सेट कर लूँगी मैं, और ऊपर से जो केक का मिक्सचर बनाया था वो डाल दूँगी। पूरा मिक्सचर पैन में इस तरह से केलों के ऊपर डाल देंगे और इसको 1-2 दफ़ा टैप टैप कर लें ताकि जो एयर है वो निकल जाए। अब मैंने फ्राई पैन को चूल्हे पर रख दिया है, बिल्कुल हल्की आंच पे कवर करके मैं इसको 20 मिनट के लिए पकाऊंगी। बीस मिनट हो गए हैं बिल्कुल हल्की आंच पे पकते हुए, तो अब मैं इसको टूथपिक डाल के चेक कर लूँगी कि केक तैयार हो चुका है। अगर टूथपिक खुश्क आए तो इसका मतलब है केक बिल्कुल अच्छी तरह तैयार हो चुका है। अगर आप इसको बड़े फ्राई पैन में बनाएंगे जैसे कि मैंने बनाया है तो थोड़ा पतला केक बनेगा, छोटे में बनाएंगे तो थोड़ा सा मोटा केक बनेगा। इस तरह से स्पैचुला से इसके किनारे अलग करके इसको उल्टा करके प्लेट में निकाल लीजिए। 20 मिनट में बहुत ही मज़ेदार केक और बहुत ही आसान बगैर मेहनत के बन के तैयार है। और ये जो मैंने नीचे चीनी डाली थी वो आप देख सकते हैं ऊपर कैरमल बन हो गई है। चीनी डालने का मकसद यही था कि वो कैरमल हो जाए, कैरमल बन जाए, और इस तरह से क्रंची सा जब ये आता है मुँह में तो इसका टेस्ट बहुत मज़े का लगता है। देखने में भी खाने में भी ये कैरमल क्रंच का टेस्ट जो है बहुत मज़े का लगता है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सुपर सॉफ्ट और बहुत ही मॉइस्ट केक है ये। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा, बग़ैर मेहनत के बहुत ही मज़ेदार केक। वीडियो अच्छी लगे तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।